इंडियन पेपर जो ट्रेड इंडस्ट्री है, इंडियन पेपर ट्रेड जी जी, उसकी गवर्नमेंट की नज़र में क्या इम्पोर्टेंस है? वो गवर्नमेंट उसको किस इम्पोर्टेंस से देखती है, किस नज़र से देखती है पेपर ट्रेड को? आप क्या इंडियन पेपर ट्रेड को गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है, देखिए गवर्नमेंट तो नहीं चाहती कि पेपर ट्रेड बीच के अंदर कहीं अपना रोल प्ले करे, जबकि उसके बगैर कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री कह लीजिए या कोई भी कंज्यूमर कह लीजिए, उसका काम उसके बगैर चलता नहीं है। तो गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है, गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी कंज्यूमर की उसकी बने, परंतु जो फाइनेंसेस का रोल है, जो जिसके अंदर नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट को भी एक चेकर है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, वो सब देखते हुए जहाँ तक गवर्नमेंट तो यही एक्सपेक्ट करती है कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से मिलना चाहिए। और जो कि अब पर्टिकुलरली जब से ये GST का हुआ है, तो बहुत बड़ा परसेंटेज व्यापारी वर्ग का अपने इस तरीके से आया है कि उसके अंदर मैक्सिमम टैक्सेस गवर्नमेंट को जा रहे हैं, और पेपर इंडस्ट्री उसके अंदर पूरा सही बिहेव कर रही है, पेपर इंडस्ट्री भी और पेपर ट्रेड भी। ओके, क्या जो इंडियन पेपर ट्रेड ट्रेड एसोसिएशन है और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट बॉडीज में, क्या वो उससे सेटिस्फाई है? जितना होना चाहिए उतना सेटिस्फाइड नहीं है। उतनी एसोसिएशन तो चाहती है बहुत कुछ अपनी रिप्रेजेंटेशन करना, और उतनी सुनवाई वहाँ पे नहीं हो पा रही है। ऑब्स्टेकल्स क्या है? ऑब्स्टेकल्स क्या है? ये है कि हमारी लॉबी इतनी मजबूत नहीं है कह लीजिए, या हम अपना प्रेजेंटेशन उतने ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए अभी डे बाई डे प्रयास हो रहे हैं और काम भी करते हैं। हमारी फेडरेशन ये जो FPT ऑल इंडिया बॉडी है, ये भी बहुत मेहनत करती है, और अभी भी GST को लेके बहुत प्रेजेंटेशन बहुत रिप्रेजेंटेशन चल रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा एबोनोली अभी हमारे GST के अंदर है, इसके अंदर पेपर में 12 भी है, 18 भी है, अच्छा पेपर प्रोडक्ट पे कुछ है, पेपर ट्रेड पे पेपर पे कुछ है, तो वो सबको मिला के हम ये चाहते हैं वो एक सिंपल होना चाहिए। और अभी ये जो दर है ये बहुत ज़्यादा है, इस दर को कम करते हुए कहीं पे भी 5% 6% कहीं पे भी इसको अगर किया जाता है पेपर एंड इट्स पेपर प्रोडक्ट्स ऑल सिमिलर, तो वो एक बहुत देश के लिए भी अच्छा होगा, व्यापार के लिए भी अच्छा होगा, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने MSME नेटवर्क से पेपर ट्रेड को निकाल दिया है। जी जी, पेपर ट्रेडर्स जो इसके लिए फिर से एफर्ट कर रहे हैं, तो अभी काम कहाँ तक पहुँचे? नहीं, अभी उसके अंदर ज़्यादा हमारी कोई तरक्की नहीं हुई है, उसके अंदर प्रेजेंटेशन चल रही है बहुत, उसके अंदर बात भी हो रही है, पर अभी भी जितना उसके अंदर MSME के अंदर हमें कामयाबी मिलनी चाहिए थी उतनी कामयाबी अभी नहीं मिली। GST ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं जब से जी। अभी भी जो GST को लेके एजुकेशन है, GST की जो एजुकेशन है, GST की जो एक्सेसिबिलिटी है, आप क्या समझते हैं कि ट्रेडर्स ने वो कितना अचीव कर लिया है पेपर ट्रेड? ऐसा है साहब कि इतनी ज़्यादा उसके अंदर कन्फ्यूजन्स हैं, इतनी ज़्यादा एग्जीक्यूशन के अंदर प्रॉब्लम है। GST सिंप्लीफाई हुआ है सिंप्लीफाई, पर उसके नोटिफिकेशन वो इतने बढ़ते जा रहे हैं कि उस कानून को समझते आज तक तो रिटर्न फाइल नहीं हो पा रही है। उसकी वजह एक ही है ना कि इसका मतलब देर वाज समथिंग रॉन्ग, उसकी वजह से ही ये हो रहा है। जो डिले है वो GST रिटर्न में डिले है, वो डिले है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिले ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं है, उसकी जो वर्किंग है, जो तरीका है, जो स्टाइल है, एग्जीक्यूशन है, जो उसके लॉ उसके बने हुए हैं, वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज है। अब धीरे धीरे डे बाई डे तो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, पर अभी उसके अंदर और आवश्यकता है कि उसका और सरलीकरण करते हुए, जिससे कि व्यापारी आपने कुछ सजेशन सबमिट करे हैं? रेगुलर चल रहे हैं, रेगुलर सबमिट हो रहे हैं। यस, डायरेक्ट सबमिट किया है? नहीं, GST काउंसिल को भी जाते हैं। ओके, और उसके अंदर हमारी एक बॉडी है कैट बोल के, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन, उसके अंदर उसके थ्रू भी जाते हैं। तो वी होप कि आगे आने वाले समय के अंदर सरकार उन बातों को समझेगी और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, और जितनी प्रॉब्लम को दूर करेंगी उतना व्यापार अच्छा होगा। व्यापार अच्छा होने का मतलब उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा आएगी। जैसे कैट का जो अजम्पशन है कि आने वाले कुछ समय में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
जो पेपर वर्क है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा आपको. इफ़ यू कैन अडॉप्ट द डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल वे ऑफ वर्किंग आप काम कर सकते हैं तो आप सर्वाइव कर सकते हैं. अगर बिल्कुल ठीक है उनका कहना है, एकदम ठीक है. इसके लिए कितनी तैयार है? नेक्स्ट जनरेशन काफ़ी हद तक तैयार है. तो फिर क्या बाउंडेशन क्या है जी एस टी में? नहीं नहीं बाउंडेशन तो छोटी ज्यादा बाउंडेशन बहुत 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 लेंथी है. उनके प्रोसेस इतने लेंथी है, इतने नंबर ऑफ रिटर्न है, इतने नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, जो कि कायदा कानून इतना उसी में लगा रहता है जी. उसी के अंदर चाहे आपके अकाउंट डिपार्टमेंट है या जो भी काम करने वाले हैं वो उसी में लगे रहते हैं. पर उसको अब गवर्नमेंट ने भी समझा है, कैट ने भी उसको रिप्रेजेंट किया है और वो कह भी रहे हैं और डेफिनेटली उसमें सुधार आएगा. गवर्नमेंट ने जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 30% से 22% करा है आज ही की जो की आज की रिपोर्ट है, आज ही घोषणा करी है. इससे कुछ आप देखते हैं पेपर ट्रेडिंग पे? ऐसा है जी, पेपर ट्रेडिंग पे तो इसका कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर दी बिग कॉर्पोरेट्स कह लीजिए, बिग इंडस्ट्री कह लीजिए. और बिग इंडस्ट्री को अगर कोई भी इसके अंदर जैसे रिलीफ मिलने जा रहा है तो वो भी एक ट्रेड के लिए बहुत हेल्पिंग हैंड होगा. इसके लिए गवर्नमेंट एक एप्रिसिएशन की पात्र है वो डेफिनेटली. ये अच्छा ही रिजल्ट आएगा इसका, आई दिस इज माई पर्सनल फीलिंग. पेपर ट्रेडर्स में बैड डेट इज बहुत बड़ी समस्या बनती है. यस 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 बहुत बड़ी है ना. बहुत कैसे एड्रेस करते हैं और क्या आप सजेस्ट करते हैं जो विच इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर? साहब ऐसा है पेपर ट्रेड के अंदर इंटरनल कंपटीशन कह लीजिए, इंटरनेशनल कंपटीशन कह लीजिए, ट्रेडिंग मार्जिन कुछ है नहीं, बहुत कम है. और उस मार्जिन को भी हम लोग कह लीजिए आपस में व्यापारी लॉबी नहीं होने की वजह से, विश्वास नहीं होने की वजह से लिबरल क्रेडिट मार दिया जाता है विदाउट चेकिंग की क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दी कस्टमर और विदाउट सीइंग एनीथिंग. उसके लिए हम बहुत इस बात पे जोर दे रहे हैं कि वी मस्ट फिल अप ए KYC नो योर कस्टमर फ्रॉम इन एवरी रेस्पेक्ट और क्रेडिट वर्दीनेस उसकी निकलवाई जाए, उसकी देखी जाए, ना कि फ्री पैसा को बांट दिया जाए. होता क्या है कि उसके अंदर अगर ओवरऑल अकाउंट जब बनता है तो बजाय प्रॉफिट के वो माइनस हो जाता है ऑन अकाउंट ऑफ द लॉसेस ऑफ द इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट इंडस्ट्री को ट्रेडर को देना पड़ता है और जबकि आगे कस्टमर से उसको नहीं मिलता है. वो कहता है ये ऐसे कोई मांगने वाला ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन दिस इज अ प्रॉब्लम. यस अपने 10 साल में पेपर ट्रेडिंग को कहाँ देखते हैं? पेपर ट्रेडिंग ग्रोथ अच्छी आएगी, पर्टिकुलरली पैकेजिंग में ज़्यादा. ऐसी इंडस्ट्री जो 10 डेकेड्स देख चुकी है. जी 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 और बहुत स्टेबल इंडस्ट्री है. हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. पर उसके अंदर ऑलरेडी है क्रॉस 60,000 करोड़ की वर्ल्ड इंडिया में क्रॉस कर चुकी है. हाँ ऐसा है जी कि जहाँ तक पेपर ट्रेड का पर्टिकुलरली पैकेजिंग इंडस्ट्री का सवाल है और इसके अंदर अगर जो भी हर्डल्स हैं उसको अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी भी ध्यान देती है और रियायतें वगैरह उसके अंदर दी जाती हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, पैकेजिंग बढ़ेगी, तो थोड़ी डिमांड अगर आ जाती है तो ऑफ टेक अच्छा हो जाता है, तो डेफिनेटली फ़ायदा ट्रेड को भी होगा और इंडस्ट्री को. सिक्स सिंगल यूज प्लास्टिक गवर्नमेंट बैंक करने जा रही है जी. इससे स्ट्रिक्टली प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से दोनों पहले इसका पेपर ट्रेडिंग पे आप कितना इफेक्ट देख रहे हैं? ऐसा है साहब, पहले भी जैसे किया गया था लाइक पान मसाला गुटखा, उसके अंदर जो PVC का रोल था उसको रिप्लेस करके कागज़ को उन्होंने किया. अब वन टाइम यूज़ के अंदर जो रिप्लेसमेंट चाहते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि अभी भी इंडस्ट्री ने अपने आप को इस बात के लिए तैयार नहीं किया है कि जिसके अंदर की उसकी रिप्लेसमेंट में जो कागज़ दें वो साथ साथ इकोनॉमिकल भी हों. प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट बनना है, प्लास्टिक के कंपेरेटिवली पेपर हमारा प्राइस वाइज थोड़ा सा हाई साइड पर बैठ रहा है और प्लस जो उसका यूज़ होना चाहिए जितनी स्ट्रेंथ उसमें होनी चाहिए वो अभी नहीं है. बट द इंडस्ट्री इज़ मूविंग एट एंड दे आर लुकिंग आफ्टर और वो करेंगे इस बात को और वो हो जाएगा और धीरे धीरे वन टाइम. और वैसे भी पर्यावरण के लिए कह लीजिए, आज पोल्यूशन के लिए कह लीजिए, वो जरूरी है. वैसे क्वेश्चन सर ये है, जैसे एशिया पल्प एंड पेपर और ये जो इंडोनेशियन कंपनी है नाइन ड्रैगन चाइना जी 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 ये पुटिंग दिया बिग प्लांट्स. यस सर, वेरी वेरी हैवी हैवी कैपेसिटी. इसका पेपर ट्रेडिंग में आप क्या चीज़ देखते हैं, क्या डायनेमिक चेंज कर देगा पेपर ट्रेडिंग के? तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग के अंदर वो फ़ायदा ही होने वाला है उससे, और जितना इन्वेस्टमेंट आएगा अभी रिसाइकलेबल जो भी जितना मटेरियल है या जो हमें क्वालिटी चाहिए है वो क्वालिटी अभी तक भी हमारे प्रोड्यूसर को कह लीजिए, एक्सपोर्टर को कह लीजिए, पैकिंग मटेरियल के अंदर कह लीजिए, वो क्वालिटी अभी नहीं मिल पा रही है. तो वो आ जाने से डेफिनेटली उसको फ़ायदा होगा. तो आप जिस कहना चाह रहे हैं कि सर जो यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर हैं जी उनके लिए सीधा कंपटीशन होगा उन बड़ी पेपर मिलों के साथ?
हाँ कंपटीशन डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा। जो अभी तक समझ लीजिए और जो वॉल्यूम के ऊपर दे पीपल विल बी इन ए मच बेटर प्राइसिंग कंपेयरिंग ओवर लोअर प्रोडक्शन। अभी ये डिसाइडेड नहीं है ना कि वो एशिया पल्पिक पेपर या नाइन ड्रैगन ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट रहेंगे या इंडिया में सेल करेंगे? नहीं, इंडिया इंडिया में तो सेल करना ही होगा उनको जब यहाँ लगेगा। जब चाइना से यहाँ आ रही तो ऑब्वियसली चाइना भी भेजेंगे माल अपना। हाँ वो भेजेंगे, डेफिनेटली बाहर भी जाएगा, सब जगह जाएगा, पर इंडिया के अंदर भी अच्छी कंजम्पशन उनकी होनी चाहिए। और इंडियन इंडस्ट्री जो भी आज मौजूद है वो लोग अगर अपने आप को गेयर अप नहीं करते हैं टू फेस दैट कंपटीशन तो डेफिनेटली उसमें नुकसान होगा। तो इसलिए पेपर टैक हुआ है परसों हैदराबाद में, पेपर टैक। हाँ हाँ, मेरे को उसका ज़्यादा मालूम नहीं, आप बताइए। पेपर मैन्युफैक्चरर्स ने एक बात फिर से उठाई है कि पेपर इंपोर्ट जो हो रहा है इंडिया में उससे जो है पेपर मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा है। वो ठीक है जी, वो उनका आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है साहब, ये दो लॉबीज हैं। इम्पोर्ट वाले कहते हैं कि साहब हमारे को आने देना चाहिए, इंडियन इंडस्ट्री ये चाहती है कि हमारे को इम्पोर्ट की वजह से नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं है, इंपोर्ट की भी आवश्यकता है। अभी जितना माल इंडिया में खपत था उतना अवेलेबल नहीं था, तो उस वजह से वो ज़रूरी था। पर कई दफ़े क्या होता है कि जरूरत से ज़्यादा ग्लट आ जाता है, तो वो कैसा भी कूड़ा कबाड़ा कह लीजिए, स्टॉक लॉट कह लीजिए, तो वो हमारे यहाँ आके वो इंडस्ट्री को थोड़ा सा वो ज़्यादा तंग करता है। पर ऐसा भी नहीं है, अभी पर्टिकुलरली आफ्टर दिस दिवाली 2018 जिस हिसाब से चाइना की वजह से कह लीजिए और कह लीजिए प्राइसेस पे जो इफेक्ट आया है, अभी डिक्लाइनिंग है मार्केट थोड़ा, और अभी और कंपटीशन होने वाला है, अभी ये रुकने वाला नहीं है। तो ये अगर ठीक हो जाएगा तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा हो जाएगा, ऐसी